नेहा जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिस शादी से उन्हें 2 बच्चे और थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत सुंदर थे, लेकिन वहीं नेहा उन दोनों के मुताबिक थोड़ी काली थी। एक तो सौतेली ऊपर से काली होने की वजह से कोई भी नेहा को पसंद नहीं करता था। नेहा की माँ हमेशा उसके साथ नौकरानी की तरह पेश आती। एक दिन की बात है, नेहा, अरे ओ नेहा, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आ गई, बताओ क्या बात है? माँ की बच्ची कब से आवाज लगा रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया। माँ रसोई में काम कर रही थी, बस इसीलिए देर हो गई। पूरा दिन रसोई में बस छगन मगन करती रहती है, कोई काम भी कर लिया कर। जी माँ, बताओ क्या करना है? जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। तभी वहाँ पर नेहा की सौतेली बहन सुमन आ जाती है और पारो से कहती है, माँ माँ देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाय मेरी बच्ची, बिल्कुल परी लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। अरे नेहा की बच्ची, तू मेरी बेटी को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? कहीं तेरी काली नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। माँ आप ये क्या कह रही हैं? भला मैं अपनी ही छोटी बहन को नजर क्यों लगाऊंगी? क्या कहा बहन? ओ हेलो मिस बहन जी, मैं तुम्हारी कोई बहन बहन नहीं हूँ, समझी तुम? तुम मेरी बहन हो सुमन। अरे ये जबरदस्ती के रिश्ते बनाना बंद कर और किचन में जाकर हाथ चला और खाना बना, समझी तू? पारो की बात सुनकर नेहा चुपचाप उसके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद नेहा पारो के लिए खाना बनाकर ले आती है और पारो से कहती है, माँ ये लीजिए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया। खाना बना दिया तो क्या एहसान कर दिया, एक तो भूख से मेरी जान निकले जा रही है, इतनी देर से मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ और मैडम अब लेकर आ रही है। माँ वो मैं कह रही थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और फटने लगे हैं, इसीलिए मैं सोच रही थी एक दो जोड़ी नए कपड़े ले आऊं। हे भगवान, पैसे तो ऐसे मांग रही है जैसे तेरा बाप मुझे सोने की खदान खरीद कर देकर गया है, जिसमें से थोड़ा सोना निकाल कर मैं तुझे देती रहूं। और तुझे नए कपड़े क्यों खरीदने हैं, कहीं शादी में जाना है क्या? माँ मुझे ज्यादा नहीं, बस एक जोड़ी कपड़े लाने हैं, अगले महीने रक्षाबंधन है ना, इसीलिए। अरे अभी तू कुछ टाइम पहले नए कपड़े लाई थी, वो कहाँ गए महारानी? अरे हर महीने नए कपड़े चाहिए क्या तुझे? माँ पिछले महीने नहीं, वो तो मैं पिछले रक्षाबंधन पर लेकर आई थी और वो कपड़े मैंने कई बार पहने हैं, कम से कम इस बार रक्षाबंधन पर मुझे एक जोड़ी नए कपड़े तो दिलवा दीजिए ना। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, अगर कपड़े ही चाहिए तो मैं सुमन को कह दूंगी, अपने कुछ पुराने कपड़े तुझे दे दे, चल जा अब अपना काम कर। नेहा वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर पारो का बेटा चंदन आ जाता है और चंदन पारो से कहता है, माँ मुझे 2000 रुपए चाहिए। अच्छा लेकिन किस लिए बेटा? वो माँ मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ जाना है, इसीलिए मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना और आराम से आना। आप बहुत अच्छी हैं माँ। अरे तू और सुमन ही तो हैं जिनके लिए ये सब दौलत शोहरत है, और भला किसको दूंगी मैं ये पैसे। अच्छा मैं चलता हूँ माँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें नेहा किचन के पास खड़ी सुन रही थी और वो खुद से कहती है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसे सौतेला वाला व्यवहार नहीं होता, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, ये लोग ही मेरा सब कुछ है, मेरी किस्मत में शायद माँ और भाई बहन का प्यार लिखा ही नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और नेहा के साथ उसके परिवार वाले ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक दिन नेहा बाजार से सामान लेने जाती है और उसे आने में कुछ वक्त लग जाता है। ये देखकर पारो कहती है, क्यों रे कामचोर, तू इतनी देर से बाजार गई हुई थी और अब लौट कर आई है, कहाँ गई थी ऐसे तू? माँ मैं बाजार गई थी, सामान लेने में थोड़ी देरी हो गई। अच्छा जी, मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ये क्यों नहीं कहती कि बाजार में घूम रही थी? वो तो शुक्र है कि तू इतनी गोरी नहीं, वरना एक मिनट भी तेरे कदम घर में नहीं टिकते। माँ ये क्या कह रही है, मैं सच में बाजार ही गई थी। सुन मेरी बात, आज के बाद तुझे कहीं से भी आने में देरी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ। देर रात सुमन घर वापस आती है, उसे देखकर नेहा कहती है,
सुमन तुम इतनी रात तक बाहर थी, अगर माँ ने देख लिया तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। अरे तुम कौन होती हो मुझे ये सब बोलने वाली, अपने काम से काम रखो, नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो। नौकरानी रही मैं बहन हूँ तुम्हारी। अच्छा खुद को देखा है, कोयले से भी ज्यादा काली हो और मैं दूध की तरह गोरी हूँ, हम दोनों कभी बहने नहीं हो सकती, समझी तुम। तभी वहाँ पर पारो आ जाती है और गुस्से में नेहा से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत के मेरी बेटी को रोकने टोकने लगी, ये उसका घर है, वो जब चाहे जितनी देर चाहे बाहर रह सकती है, तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चल जा अपना काम कर। लेकिन माँ। अरे निकल जा यहाँ से। नेहा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। नेहा बहुत अच्छी सी सारी तैयारियां करती है और अपने सोतेले भाई को राखी बांधने के लिए उसका इंतजार करती है। चलो सुमन बेटी अपने भाई को राखी बांधो। हाँ माँ मैं अभी राखी बांधती हूँ। हाँ पहले तुम भाई को राखी बांधो फिर मैं बांध दूंगी। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे राखी बंधवाने वाला हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो चंदन, तुम मेरे भाई हो तो मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी ना। तुम मुझे भले ही अपना भाई मानती हो लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। माँ इससे कह दो कि ये मुझे राखी ना बांधे। हाँ ठीक है बेटा, वो तुझे राखी नहीं बांधेगी। नेहा को चंदन की बात बहुत चुभती है क्योंकि अब उससे अपने सोतेले भाई को राखी बांधने का हक भी छीन लिया जाता है। शाम को राखी बंधवाने के साथ चंदन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है और जाते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसे बहुत चोट आती है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो सभी अस्पताल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर पारो से कहता है, हादसे में इनका बहुत सारा खून निकल गया है और चोट सीधा उनकी कमर के पास लगी है जिससे उनकी एक किडनी पूरी तरह खराब हो गई है। चोट अंदरूनी थी इसलिए अब आप जल्दी से कोई किडनी डोनर ढूंढ लीजिए। क्या किडनी खराब हो गई? अब क्या करेंगे? आप अपने किसी फैमिली मेंबर से पूछकर देखिए जिनकी किडनी उनसे मैच होगी, अगर वो डोनर करने को तैयार है तो हम ये ऑपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन भला कोई अपनी किडनी क्यों देगा? डॉक्टर साहब आप मेरी ये किडनी मेरे बेटे को दे दीजिए, मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है। नहीं मैडम ऐसे नहीं होता, उनके लिए उनकी ही उम्र की किडनी की जरूरत पड़ेगी। तो सुमन बेटी तू अपनी ये किडनी दे दे अपने भाई को। आप पागल हो गई हो क्या, ये कोई चीज थोड़ी है जो यूं ही उठा कर दे दी। अरे अगर मैंने अपनी किडनी दे दी तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा और मैं अपनी जवानी ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहती। ये तू क्या कह रही है, वो तेरा भाई है, तेरा अपना भाई है सुमन। भाई है तो क्या उसके लिए अपनी जान दे दो? ये सब बातें नेहा दूर खड़ी सुन रही थी। किसी को बताए बिना वो डॉक्टर से बात करके अपनी एक किडनी अपने सोतेले भाई को दे देती है। बेफिक्र रहिए पारो जी, ऑपरेशन सफल रहा। कौन सा ऑपरेशन डॉक्टर? आपके बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट करने का। लेकिन हमें तो डोनर मिला ही नहीं। ये क्या आपको नहीं पता, आपकी दूसरी बेटी ने अपने भाई को किडनी दी है। दूसरी बेटी ने? पारो जल्दी से जाकर देखती है तो नेहा बेड पर लेटी होती है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नेहा को गले से लगा लेती है। हमें माफ कर दे बेटी, हमने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुझे नौकरानी बना कर रखा और तूने आज मेरे बेटे की जान बचा ली। माँ आपका बेटा नहीं मेरा भाई, और आप मेरी माँ है तो चंदन मेरा भाई हुआ ना, और भाई के लिए एक बहन इतना तो कर ही सकती है ना। भगवान सबको तुझ जैसी बहन और बेटी दे। जब सबको पता चलता है कि नेहा ने चंदन को अपनी किडनी दी है तो सभी उससे माफी मांगते हैं और उसे दिल से अपनाते हैं। चंदन भी खुशी खुशी अपनी बहन को राखी बांधने देता है और नेहा अपना रक्षा बंधन मनाती है।